आज गुरुवार है और साथ ही आज है हनुमान प्रकट उत्सव। आज के दिन के कई उपाय समाज में प्रचलित है, शास्त्र वर्णन इनका मिलता है, जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ इस आपको मिलेंगे। इस वीडियो में 4 या 5 उपाय आप सभी को जानने समझने को मिलेंगे। रात्रि तक अगर घर में कर लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन में बदलाव आना निश्चित है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय काली मिर्च का है। आज के दिन आप सभी को मणिभद्र महादेव का नाम लेते हुए 7 काली मिर्च अपने हाथ में ले लेनी है। मणिभद्र महादेव का बहुत सुंदर नाम है और विकराल स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। मणिभद्र महादेव का नाम लेना है, 7 काली मिर्च अपने हाथ में लेनी है। जो व्यक्ति बार बार बीमार होता है, किसी न किसी तरह से प्रभावित रहता है, किस्मत साथ नहीं देती, बालाजी महाराज का भी स्मरण करें, उसके ऊपर से मणिभद्र महादेव का नाम लेते हुए जो काली मिर्च है उसे 21 बार उतार कर किसी बहते हुए जल में या पीपल वृक्ष में आपको छोड़कर आ जानी है। घर पर ना रखें, तत्काल ही करें। इससे पहले वीडियो बताया था तो उसमें सवाल आ रहे थे, इन चीज़ों को घर पर रखना ठीक नहीं होता है, तो आप इन चीज़ों को जो है तुरंत प्रवाहित कर दें, इससे काफी लाभ मिलेगा। दुख तकलीफ, कोई ऊपरी बाधा, कोई रोग इत्यादि काफी परेशान करते हैं, तो यह चमत्कारी उपाय जीवन में जरूर से बदलाव लेकर आएगा। पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय है, आज गुरुवार है, माँ तुलसी का दिन है, श्री हरि विष्णु का दिन है, तो आप सभी को माँ तुलसी की विशेष पूजा अर्चना रात्रि तक जरूर से करनी चाहिए। शाम के समय हल्दी थोड़ा सा डालकर अगर दीपक लगा देते हैं ना, तो श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही घर पर शिवलिंग विराजमान है तो केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने अखंड सौभाग्य, विवाह, संतान, सुख के लिए आप सभी को केदारेश्वर महादेव के नाम से चने की दाल समर्पित करनी है। रात्रि तक बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। महादेव का वासा कड़कड़ में है, हर एक व्यक्ति के भीतर ओमकार के रूप में वह बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सभी केदारेश्वर महादेव का स्मरण करें और चने की दाल महादेव के शिवलिंग पर रात्रि तक समर्पित करें। काफ़ी श्रेष्ठ आपको इससे लाभ मिलेगा। तो यह भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में है। मैं इन उपायों को आप सभी को बताते जा रही हूँ, जो सरल लगे, जो आप कर पाएँ अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कीजिएगा, आपको बहुत इससे लाभ होगा। तो यह उपाय भी सर्वश्रेष्ठ है। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूले। आज बहुत विशेष दिन है, आप सभी एक दीपक प्रज्वलित करें। सरसों का तेल, तिल्ली का तेल या चमेली का तेल हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है, चाहे तो घी का भी लगा सकते हैं, चौमुखा भी लगा सकते हैं, सामान्य भी लगा सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं, मंदिर जाकर करें तो अति श्रेष्ठ है। कोई भी उपाय हो जो मैं बता रही हूँ वह मंदिर में करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, न करने की स्थिति में घर पर भी कर सकते हैं। देखिए, हमारी शारीरिक स्थिति, समय का अभाव, कुछ परिस्थितियाँ विपरीत होती है, गृहस्थ जन में प्रभु भक्ति की ओर हमें यह चीज़ें रोकती हैं, तो क्यों ना जैसा है, जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में हम भगवान का पूजन करें। तो घर पर ही हनुमान जी महाराज को विराजमान करें, एक अखंड जोत जलाने का प्रयास करें, कोशिश करें रात्रि और दिन जले, ना जल पाए तो थोड़ा लंबे समय तक जले, ऐसा प्रबंध करें। इससे शनि संबंधी काल सर्प दोष, रोग मुक्ति इत्यादि के कई तरह के जो है राहु और शनि इत्यादि की जो मैं कई बार आपको बताती हूँ, यह बहुत लाभदायक माना जाता है। हनुमान चालीसा का आठ आज जो है जितना संभव हो, 11 बार, 21 बार, 7 बार, 108 बार, जितना आपसे पॉसिबल हो उतना करने का प्रयास करें। हनुमान जी का कोई विशेष मंत्र, कोई रामायण की चौपाई और साथ ही हनुमान जी से संबंधित कोई भी मंत्र पढ़ते हैं ना, तो यकीन मानिए आज के दिन बहुत इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यह भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में है। आप सभी जानते होंगे हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा का पाठ है, दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे प्रमुख, सबसे प्रथम में यह आता है। तो आज के दिन पढ़ने में असमर्थ हैं तो टेप रिकॉर्डर इत्यादि के माध्यम से ज़रूर से सुने, अपने बच्चों से हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से कराएं, काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आज के दिन हम सभी जानते हैं हनुमान जी महाराज हमारे बीच बानर रूप में है, तो आपसे भी किसी जीव जंतु, किसी निसहाय व्यक्ति की हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था, किसी भी तरह से उनकी मदद करते हैं, तो बालाजी महाराज इस कलयुग में एक चमत्कारी देवता के रूप में है, आप सभी की सुनेंगे और तत्काल कष्टों का निवारण करेंगे। तो यह भी एक कार्य कर सकते हैं, जीवन में बदलाव आना निश्चित है। अपने हाथ से आप तुलसी की माला हनुमान जी महाराज को समर्पित करवा सकते हैं, आंकड़े के पत्तों की माला समर्पित करवा सकते हैं, आप पीपल के पत्तों की माला सीताराम लिखी हुई जो है हनुमान जी महाराज पर समर्पित करवाते हैं, तो आप बहुत अधिक इसका लाभ प्राप्त करेंगे। करके देखिएगा, एक न एक उपाय निश्चित ही आपको लाभ मिलना है। आज के दिन बेसन के लड्डू का भोग लगाना, बूंदी का
चूरमे का भोग लगाना बहुत शुभ फलों की आपको प्राप्ति करवाएगा। हालांकि कई उपाय हैं, इससे पहले भी वीडियो दिया हुआ है, वह भी आप उपाय कर सकते हैं, श्रेष्ठ आपको लाभ मिलेगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, कुछ सवाल हो पूछिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लिखना ना।